साथियों, तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना का विकास ये एनडीए की, मोदी की प्राथमिकता रहा है, लेकिन इन 10 वर्षों में हमने ये भी देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो पार्टों में पीसता रहा है। एक पार्ट कांग्रेस का और दूसरा पार्ट बीआरएस का। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। और अब तो मुश्किल ये है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महालूट और अब कांग्रेस की बुरी नजर। ये वैसे ही हालत है जैसे कि कुएं से निकले खाई में गिरे। कांग्रेस के लिए तो पूरा राज्य तबाह करने के लिए 5 साल भी बहुत है। जब यहां ज्यादा संख्या में बीजेपी सांसद चुन करके आएंगे तो कांग्रेस को भी अपनी मनमानी करने में बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इस बार तेलंगाना में सभी लोकसभा की सीट भाजपा का कमल खिलना चाहिए। और आपको एक बात और भी याद रखनी है, तेलंगाना के लोगों की बात सीधी मुझ तक दिल्ली में पहुंचे, इसके लिए मुझे यहां सभी सांसद जीत करके आए तो बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी, ताकि मैं आपकी अच्छी सेवा कर सकूं।